लिस्ट डाली थी ना पूरी, उसमें 8.3 और 8.4 है। अच्छा चलो देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एंगल्स होते हैं 0 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास रेशोज स्टार्ट होते हैं साइंस, और ये हमारा थीटा है। तो हमने ये कहा था आप सब बच्चों को कि आप स्टार्ट करो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 0 से स्टार्ट करो 4 तक। नाउ डिवाइड बाय 4 टू ईच टर्म। एंड टेक स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है बेटे। अब ये जो भी वैल्यू आएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वो बेटे साइन के लिए आएगी। किसके लिए आएगी? साइन। क्या करा आपने? 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 टेकिंग स्क्वायर रूट, व्हाट एवर यू विल गेट दैट इज अबाउट द साइन। तो 0 by 4 बेटे 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट बेटे 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट बेटे 2 होता है, ठीक है। 2 by 4 मतलब 1 by 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज स्क्वायर रूट 2, 1 by root 2, रूट 3 by 2 एंड 4 by 4 इज 1। आ गया समझ में? हां सर। ठीक है बेटे, तो ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू बेटे आ गई साइन। तो एक ही आपको वैल्यू याद रखनी है साइन। नाउ अब आप क्या करिए, ये जो ऑर्डर गिवन है 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, 1, आप इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स इसलिए करते हैं कि साइन और कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू सेम होती है, ये भी हमने किया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हमारे पास आ जाएगा कॉस, मतलब आपको मालूम है, अब तो मैं रीजन भी मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो अगर यहाँ बेटे आप 0 रखेंगे तो यहाँ 90 माइनस 0 90 हो जाएगा। तो जो वैल्यू साइन में 0 की होती है वो कॉस में 90 की होती है, जो cos sin 30 की होती है वो cos 60 की होती है। तो रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स इन द सेंस कि ये जो आपके पास 1 है इसको आप यहां ले आइए, 1 को, रूट 3 बाई 2 को यहां ले आइए, 1 बाई रूट 2 क्योंकि बीच में आ रहा है, 45 45 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो बीच में ही रहेगा, 1 बाई 2 इधर आ जाएगा और 0 यहां आ जाएगा। तो जब आपको साइन की वैल्यूज मालूम है तो कॉस की वैल्यूज आ गई रिवर्स ऑर्डर में। अब हमारे पास क्या है, ये हमें मालूम है कि tan थीटा बेटे साइन बाई कॉस होता है। tan क्या होता है? साइन अपॉन साइन बाई कॉस। अब आप इन दोनों को डिवाइड, अब आप इन दोनों को बेटे डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करोगे बच्चे 0 by 1 क्या हो जाएगा बेटे? 0 ना, ये आपके पास बेटे 0 है और ये आपके पास 1 है, आप दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो 0 by 1 है 0। अच्छा 1 by 2 root 3 by 2 क्या होगा बताओ? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा बेटे? 1 by root 3 है ना। अच्छा यहाँ 1 by root 2 है और यहाँ भी 1 by root 2 है, दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो क्या बचेगा बेटे? 1 1। अच्छा बताओ root 3 by 2 1 by 2 क्या बचेगा बेटे? root 3। यस गुड। और ये 1 by 0 क्या बचेगा बेटे? 0 नॉट डिफाइंड। 0 से डिवीजन है ना बेटे, तो 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं है बच्चे। ये आपके पास आ गया। अब अगर आपके पास tan आ गया तो tan का रेसिप्रोकल भी कर सकते हो और tan का रिवर्स भी कर सकते हो। tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, तो चॉइस आपकी है। चॉइस का मतलब क्या है प्लीज इधर देखो, आप चाहो तो ये जो tan का वैल्यू है 0 इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 मतलब होता है 0 by 1, तो
उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यस। तो या तो आप नॉट डिफाइंड लिख दीजिए, मतलब जीरो का रेसिप्रोकल, या फिर लास्ट वाला टर्म देखिए, लास्ट वाला टर्म कितना था हमारा 10 में, वो भी नॉट डिफाइंड, उसे आप यहाँ रख सकते थे। तो सेम रूट थ्री का, रूट थ्री को आप यहाँ ला सकते हो, या 1/√3 का रेसिप्रोकल कर दिए, तो चॉइस आपकी है, 1, फिर ये 1/√3 और ये 0। तो रिवर्स करिए या रेसिप्रोकल करिए, तो इस तरह से आपके पास कॉट आ जाए। अब हमने पढ़ा है कि कोसेक थीटा होता है बेटे 1/sin θ, यस और नो? यस सर। तो बताओ साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू कितनी है? 0। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। 1/0 तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। देखो एक्चुअली क्या है बेटे, ध्यान रखना है, साइन जीरो जो है ना बेटे, वो है जीरो, तो इसलिए कोसेक जीरो जो होगा बेटे, वो होगा 1/0 रेसिप्रोकल, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो कोसेक हो जाएगा बेटे नॉट डिफाइंड। अच्छा साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 45 होता है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल √2, 60 होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3, 90 होता है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1, इससे आपके पास आ गया कोसेक। अब लास्ट जो हमारे पास है बेटे, या तो आप कर सकते हो कि सेक एंड कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर आप सेक का लिखना चाहते हैं वैल्यू, तो कोसेक का रेसिप्रो रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स का मतलब लास्ट वाला टर्म 1 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, फिर सेकेंड लास्ट 2/√3 है, तो यहाँ 2/√3 लिख दीजिए, मिडिल टर्म एज इट इज, नाउ 2, नाउ नोट। या आप चाहें तो कर सकते हैं कि sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो आप cos का भी रेसिप्रोकल कर सकते थे। सो इन दिस वे यू कैन गेट द होल टेबल। तो आपको सिर्फ पहली वैल्यूज एक तरह से दिमाग में बिठानी है, बाकी सब एज इट इज आपको होती चली, याद आती चली जाए।